इस वीडियो में आज हम कंप्यूटर साइंस का जो पेपर 2019 है, उसका सेकंड ईयर का जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे इससे पहले जो वीडियो थी उसके अंदर हमने सेक्शन बी कम्प्लीटली सॉल्व किया था अब बारी है सेक्शन सी की सेक्शन <coughs> सी भी जो है इसकी भी टोटल 21 मार्क्स हैं और इसमें दस सवाल दिए गए हैं दस में से आपने सेवन मार्क्स हल करने हैं हर सवाल के तीन नंबर है और ये जो सेक्शन सी है इसके अंदर आपके सिलेबस के कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं इसके अंदर आपका चैप्टर आता है अरेज एंड स्ट्रिंग्स का फंक्शंस का क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का और फाइल हैंडलिंग का तमाम क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से दिए गए हैं तो अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर वन में पूछा गया है डिफ्रेंशिएट बिटवीन वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल अरे आपने क्या करना है कि वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल अरे में फर्क बताना है तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे कि द मेन डिफरेंस बिटवीन वन डायमेंशनल अरे एंड टू डायमेंशनल अरे इज दैट द वन डायमेंशनल अरे रिप्रेजेंट्स मल्टीपल डेटा आइटम्स एज ए लिस्ट वाइल टू डी अरे रिप्रेजेंट्स मल्टीपल डेटा आइटम्स एज ए टेबल कंजिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम यानी दोनों में फर्क ये है जो मेन डिफरेंस ये है कि वन डायमेंशनल अरे क्या करता है कि जितने भी डाटा आइटम्स हैं उनको एक लिस्ट की शक्ल में शो करता है जबकि टू डायमेंशनल क्या करता करता है है जितने भी डाटा आइटम्स हैं उनको एक टेबल की शक्ल में शो करता है, जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ क्वेश्चन नंबर टू में पूछा गया है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सी इन डॉट गेट फंक्शन ट फॉर रीडिंग स्ट्रिंग को रीड करते हुए हम सी इन फंक्शन की बजाय सी इन डॉट केट फंक्शन का अगर इस्तेमाल करें तो सी इन डॉट केट फंक्शन का क्या एडवांटेज होगा सी इन स्टेटमेंट के ऊपर तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे सी इन डॉट गेट इज यूज फॉर एक्सेसिंग करेक्टर अरे सी इन डॉट गेट इस्तेमाल होता है करेक्टर अरे यानी स्ट्रिंग को गेट करने के लिए उसको रीड करने के लिए इट इंक्लूड्स वाइट स्पेस यानी कि अगर आपकी स्ट्रिंग में वाइट स्पेस आती है तो ये उसको भी रीड कर लेगा जनरली सी इन विद एन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर टर्मिनेट्स व्हेन वाइट स्पेस इज फाउंड और जब कभी भी एक स्ट्रिंग को रीड कर रहा होता है सी इन स्टेटमेंट तो ही वाइट स्पेस आती है तो ये उसको रीड नहीं कर पाता और वहाँ पे ये टर्मिनेट हो जाता है उसके बरक्स जो सी इन डॉट गेट है वो क्या करता है कि स्ट्रिंग को रीड भी करता है और उसके साथ साथ जो वाइट स्पेसिस आती हैं उसको भी साथ साथ रीड करता है तो ये इसका एडवांटेज है सी एन के ऊपर टू का जवाब अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछा गया है ट्रेस आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट ये हमें एक कोड दिया हुआ है अब हमने इसका आउटपुट फाइंड आउट करना है तो इसका आउटपुट क्या होगा इसका आउटपुट जब हम इसको रन करते हैं तो इसका जो आउटपुट हमारे सामने इस तरह से आता है कि पहले थ्री प्रिंट होगा और उसके बाद सिक्स प्रिंट होगा फिर एथ प्रिंट होगा फिर वन प्रिंट होगा फिर थ्री प्रिंट होगा अब आप देखेंगे स्टार्ट में एक इन्होंने अरे डिफाइन की हुई है उसके बाद फॉर लूप स्टार्ट हो जाती है लेकिन फॉर लूप जब स्टार्ट होती है तो इंडेक्स वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखते हैं फोर रखते हैं फोर से मुराद ये है कि आप अरे के फोर्थ इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हैं और अगर आप अरे पे गौर करें तो इसके फोर्थ इंडेक्स पे वन टू थ्री फोर्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हमारे पास क्या है वो है वन और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगी आई की वैल्यू फोर हमने रखी है और कंडीशन यहाँ पे चेक होगी कंडीशन हमारी ट्रू होगी उसके बाद ये वाली जो स्टेटमेंट है बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे लिए मेन ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है अब इसमें आप देखें कि ए आई की क्या वैल्यू है आई की वैल्यू फोर थी फोर्थ इंडेक्स में हमारे पास वन पड़ा हुआ है तो ए आई की वैल्यू होगी हमारे पास टू प्लस अब हमने उसमें क्या प्लस करना है उसमें हमने प्लस कर देना है ए आई माइनस वन आई की वैल्यू फोर थी फोर माइनस वन जवाब क्या आएगा थ्री तो ए थ्री की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी बल्कि यहाँ पे हमसे यहाँ मिस्टेक हुई है ए आई की वैल्यू फोर है इट मीन्स कि हम फोर्थ इंडेक्स की बात कर रहे हैं और फोर्थ इंडेक्स में यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो है टू क्योंकि तो अगर हम यहाँ से काउंट करें ज़ीरो वन टू थ्री तो टू यहाँ पे पड़ी हुई है टू यहाँ से हमें गेट होगा प्लस और ए आई जो है वो दरअसल यहाँ पे क्या था हमारे पास वो आ, आएगा हमारे पास यहाँ पे आ, टू है और जबकि ए फोर माइनस वन ए थ्री यहाँ पे वन आ जाएगा तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे टू प्लस वन जवाब आएगा हमारा थ्री थ्री ए आई में स्टोर हो जाएगा और उसको फिर यहाँ पे प्रिंट करवा दिया जाएगा उसके बाद लूप दोबारा रन होगी आई माइनस माइनस हो जाएगा आई की वैल्यू फोर से थ्री हो जाएगी इस तरह करते करते हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा थ्री सिक्स एट वन थ्री ये इस सवाल का जवाब है अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर में सवाल पूछा गया है व्हाट इज फंक्शन फंक्शन क्या होता है डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन यूज्ड इन सी प्लस प्लस आपने क्या करना है कि फंक्शन की मुख्तलिफ टाइप्स को डिस्क्राइब करना है सी प्लस प्लस में तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे कि अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स

क्वेश्चन नंबर फाइव में हमसे पूछा गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल पैरामीटर्स एंड एक्चुअल पैरामीटर्स यूज इन फंक्शंस फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर में डिस्टिंग्विश करना है फ़र्क बताना है तो इस सवाल का जवाब इस तरह से होगा द की डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर इज दैट एक्चुअल पैरामीटर आर द वैल्यूज दैट आर पास टू द फंक्शन यानी फंक्शन में से जो एक्चुअल वैल्यूज पासड होती हैं वो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं वैन इट इज़ इन्वोक्ट जब उसको कॉल किया जाता है वाइल फॉर्मल पैरामीटर्स आर द वेरिएबल्स डिफाइंड बाय द फंक्शन ये वो पैरामीटर्स हैं जो कि फंक्शन को हम प्रोटोटाइप डिफाइन करते वक्त हम जिन्हें लिखते हैं दैट रिसीव्ड वैल्यूज़ व्हेन द फंक्शन इज़ कॉल्ड और जो हमारी वैल्यूज़ को रिसीव करते हैं जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो ये होता है हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर

जो वैल्यू डिफाइन की जाती है दैट इज़ ऑटोमेटिकली असाइन बाय द कंपाइलर, इफ़ द कॉलर ऑफ द फंक्शन डजेंट प्रोवाइड अ वैल्यू अगर तो जो कॉलर uh, फंक्शन है अगर कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता तो ऑटोमेटिकली हमारा कंपाइलर वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो कि फंक्शन डिक्लेरेशन के वक्त हम uh, इस्तेमाल करते हैं वो असाइन कर देता है डजेंट प्रोवाइड अ वैल्यू फॉर द आर्ग्यूमेंट विद द डिफॉल्ट वैल्यू तो उसे कहा जाता है डिफ़ॉल्ट आर्गोमेंट इसका फ़ायदा क्या है इट इज़ कन्वीनियंट ये ज़्यादा बेहतर है बाई प्रोवाइडिंग द डिफॉल्ट कॉमन इनिशियल वैल्यू डिफ़ॉल्ट कॉमन इनिशियल वैल्यू करना ज़्यादा बेहतर है देन स्पेसिफाइंग दैम ईस टाइम एन ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर तो जब हम कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो तब हमें हर वक्त उनको आर्गूमेंट्स uh, को बार बार डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी बल्कि ऑब्जेक्ट जैसी डिक्लेयर होगा तो बाई डिफ़ॉल्ट जो होगी कुछ इनिशियल वैल्यूज कॉमन इनिशियल वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाएंगी दूसरा ये है इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम हैविंग टू प्रोवाइड एन ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर इसका फायदा ये होता है कि अगर आप डिफॉल्ट आर्गूमेंट्स कर दिए हैं तो फिर हमें एक ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ क्वेश्चन नंबर सेवन पूछा गया है ब्रीफली एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग इन सी प्लस प्लस सी प्लस प्लस में आपने बताना है कि डेटा हाइडिंग क्या होती है जिसमें हम डेटा और फंक्शंस को एक सिंगल में डिफाइन करते हैं द आइडियोलॉजी बिहाइंड डेटा हाइडिंग इज टू कंसील डेटा विद इन क्लास इसकी आइडियोलॉजी ये है कि हम एक क्लास में रहते हुए जो डाटा है उसको हम कंसील कर सकें छुपा सकें टू प्रिवेंट इट्स डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास ताकि क्लास के बाहर से उसको डायरेक्ट एक्सेस ना किया जा सके तो यह हमने मुख्तसरा बता दिया है कि डाटा हाइडिंग क्या होती है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट की तरफ क्वेश्चन नंबर एट में पूछा गया है वट आर एक्सेस स्पेसिफायर्स हाउ आर प्राइवेट एंड पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज इन सी प्लस प्लस एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं और प्राइवेट और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर C++ में कैसे इस्तेमाल होते हैं तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे कि एक्सेस स्पेसिफायर्स आर कीवर्ड्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस दैट सेट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्लासेस मेथड्स एंड अदर मेंबर जो कि हमें क्लास को एक्सेस करने के क्लास के डेटा आइटम्स को उसके फंक्शंस को उसके को एक्सेस करने के लिए हमें रिस्ट्रिक्शंस या रूल्स रिस्ट्रिक्शन करते हैं तीन मेंबर है? को पब्लिक कर देते हैं तो आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड क्लास तो उस डेटा को क्लास के बाहर से भी एक्सेस किया जा सकता है प्राइवेट से क्या मुराद है प्राइवेट में जैसे आपने किसी डेटा मेंबर को प्राइवेट किया उसे आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं किया जा सकता प्रोटेक्टेड से क्या मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड आउटसाइड द द क्लास क्लास उन्हें एक्सेस नहीं किया जा सकता हाउ एवर कैन बी एक्सेस इन इनहेरिटेड क्लास लेकिन इनहेरिटेड क्लास में के जरिए इन्हें एक्सेस किया जा सकता है तो ये थे हमारे पास तीन एक्सेस स्पेसिफायर जो कि हम सी प्लस प्लस में इस्तेमाल करते हैं अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ क्वेश्चन नंबर नाइन में पूछा गया है डिस्क्राइब डिफरेंट मोड्स ऑफ ओपनिंग फाइल्स इन सी प्लस प्लस सी प्लस प्लस में डिफरेंट मोड्स ऑफ ओपनिंग फाइल्स आपने डिस्क्राइब करने हैं तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे तो आमतौर पे फोर ओपनिंग मोड इस्तेमाल होते हैं सी प्लस प्लस में जो कि यहां पे दिए गए हैं इन मोड इस्तेमाल होता है फाइल को ओपन करने के लिए ताकि उसे रीड किया जा सके आउट मोड तब इस्तेमाल किया जाता है जब फाइल को ओपन किया जाता है कुछ लिखने के लिए राइट करने के लिए बाइनरी मोड तब इस्तेमाल होता है जब हम फाइल को बाइनरी मोड में ओपन करना चाहते हैं और ऐप मोड तब इस्तेमाल होता है जब हम फाइल को ओपन करते हैं और अपेंड कर देते हैं तमाम आउटपुट को उस फाइल के एंड में तो ये था हमारे ये क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ

बी ओ एफ एंड ई ओ एफ सी प्लस प्लस प्रोवाइड करता है कुछ स्पेशल फंक्शन बी ओ एफ और ई एफ की शक्ल में दैट आर टू सेट द पॉइंटर जो पॉइंटर को सेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं टू द बिगनिंग ऑफ फाइल फाइल के स्टार्ट में एंड एट द एंड ऑफ अ फाइल और फाइल के बिल्कुल आखिर में रिस्पेक्टिवली बी ओ एफ की बात कर रहा था और बाद में उसने ई ओ एफ की बात की तो यहाँ पे आके सवाल का जवाब मुकम्मल हो जाता है तो हमने अपने सेक्शन सी के दस के दस सवाल हल कर लिए हैं तो ये हमारे 2019 के पेपर का सेक्शन सी है इसके तमाम सेक्शन सी के तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में बहुत ही तफसील के साथ समझाए गए हैं इसके बाद की जो वीडियो होगी उसके अंदर हम सेक्शन डी जो लॉन्ग क्वेश्चन का जो पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे